हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ओप्पो A9 2020 वर्ज़न। तो जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। तो हमारे पास ये है ओप्पो A9 2020 का बॉक्स। ये देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा बॉक्स है। और फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड क्वाड कैमरा का सेटअप है। 5000 mAh की बैटरी आपको मिलेगी देखने को। स्नैपड्रैगन 665 देखने को मिलेगा गेम बूस्ट 2.0 के साथ, और ड्यूअल स्पीकर डॉल्बी एटमॉस के साथ। और जो ये वेरिएंट है, ये आपको मिलेगा 8 GB 128 GB का। और कलर की बात की जाए तो मैरिन ग्रीन यहाँ पे कलर देखने को मिलेगा, मेड इन इंडिया यहाँ पे लिखा गया है। और कुछ सार वैल्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। 1.653 हेड बॉडी के लिए है और 1.1 हेड के लिए। तो बस ओपन कर लेते हैं हम इस बॉक्स को, थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। तो प्राइसिंग की बात की जाए तो ये मेरे को पड़ा है 14,000 का, और प्राइस यहाँ पे 22,000 का है। तो बाकी बाकी तो सेम ही है। क्वाड कैमरा यहाँ पे दिया गया है, 48+8+2+2, और फ्रंट आपको देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का। तो आइए ओपन करते हैं हम बॉक्स को। तो ये हम सबके सामने आ गया है बॉक्स, तो हम इसको देखते हैं क्या क्या मिला है हमको। तो सबसे पहले देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको एक कवर देखने को मिलेगा, ट्रांसपेरेंट कवर है। क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है ये। बाकी आपको कंपनीज का थोड़ा पतला देखने को मिलता है, ये थोड़ा सा मोटा है कवर है। और बाकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन, वारंटी कार्ड वगैरह आपको देखने को मिलेगा। सिम इजेक्टर टूल्स आपको है, और भी और कुछ कुछ भी नहीं है। और देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है मोबाइल, तो हम थोड़ी देर में देखते हैं मोबाइल को। ये तो कुछ नहीं है, ये आपका केबल है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ईयरफोन, जो आजकल कोई कंपनी नहीं देती आपको। तो ईयरफोन में भी यहाँ पे आपको मोबाइल के कलर का सेम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे शायद आप देख पा रहे कि नहीं, पता नहीं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का यहाँ पे ईयरफोन मिला है, क्योंकि मोबाइल भी ग्रीन कलर का है। तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूनिक लुक देखने को मिल रहा है आपको, एप्पल जैसा। और केबल केबल भी देख सकते हैं, केबल की लेंथ मैं दिखा देता हूँ आपको क्या मिली है लेंथ। तो लेंथ की बात की जाए तो लेंथ भी काफ़ी अच्छा है केबल का। तो ये देख सकते हैं, ठीक ही है, डिसेंट लेंथ आपको देखने को मिले। और चार्जर की बात की जाए तो यहाँ सेम रियल मी जैसा चार्जर आपको देखने को मिलेगा। 10 वाट का चार्जर है, 5 वाट 2 एम्पियर का 10 वाट की चार्जिंग है आपको देखने को मिलेगी। चार्जिंग थोड़ी सी स्लो आपको देखने को मिल जाएगी। और यही था बॉक्स में, बॉक्स में और कुछ भी नहीं है। तो आप देख लेते हैं मोबाइल को। तो ये आपका यहाँ पे है मोबाइल, मोबाइल में देख सकते हैं यहाँ पे आपका 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 8 GB 128 GB वेरियंट है इसमें। तो यहाँ हम इसको कर लेंगे ओपन, तो ये सबके आपके सामने आ गया है मोबाइल। तो ये है सामने हमारे मोबाइल, आप देख सकते हैं मैरिन ग्रीन कलर कंपनी इसको बोलता है, लेकिन ये थोड़ी ब्लूइश टाइप से आती है। और बैक बना है पॉलीकार्बोनेट का, लेकिन फिनिश काफ़ी अच्छी दी गई है इसमें, ग्लास फिनिश जैसा आपको देखने को मिल जाता है। और कैमरा सेटअप की बात की जाए तो यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर आपको देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का क्रोम और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको LED देखने को मिल जाएगा, और फ्रंट में भी आपको यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। नीचे बात की जाए तो 3.5 mm का जैक मिल जाएगा आपको, ड्यूअल स्पीकर डॉल्बी का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और टाइप सी कनेक्टर केबल देखने को मिल जाएगा। ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है। और लेफ्ट साइड की बात की जाए तो वॉल्यूम अप एंड डाउन यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे सिम इजेक्शन का दिया गया है।
और इस साइड की बात की जाए तो आपको पावर बटन देखने को मिलेगा और इसमें ग्रीन कलर का थोड़ा सा आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात की जाए तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर बाकी मोबाइल से हल्का सा स्लो बोलते हो, हल्का सा छोटा आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी देख लेते हैं इसमें सिम ट्रे जो है वो हाइब्रिड है या ट्रिपल। तो ये हम निकाल लिए हैं सिम ट्रे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिपल स्लिम स्लॉट आपको देखने को मिल जाता है। तो हम कर लेते हैं इसका बूट और फिर दिखा देते हैं आपको और क्या क्या फ़ोन्स में आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको कलर ओएस 6 देखने को मिल जाता है। तो ये हो चुका है बूट, तो हम इसको करेंगे स्टार्ट। तो ये कुछ ऐसा है और बाकी देख लेते हैं हम सेटिंग में हमको क्या क्या देखने को मिला। सेम ओप्पो वीवो और आपको जो रियलमी में देखने को मिलता है सेम चीज़ इसमें आपको वैसे ही देखने को मिल जाएगी। फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट अनलॉक भी दिया गया है इसमें। देख लेते हैं अबाउट फोन्स में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। तो मॉडल नंबर यहाँ पे CPH1937 ये आपको देखने को मिलेगा। वैसे ओप्पो A9 है ये डिवाइस का नाम। और कलर ओएस वर्जन आपको 6.0.1 देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड वर्जन 9 देखने को मिलेगा। प्रोसेसर की बात की जाए तो स्नैपड्रैगन 665 देखने को मिल जाएगा। और रैम की बात की जाए तो 8GB। इस पूरे स्मार्टफोन्स में 8GB के वेरिएंट में सबसे सस्ता आपको यही स्मार्टफोन देखने को मिलेगा 14,000 में, 8GB और 128GB में। तो 128GB का ये वेरिएंट है और इसमें फ्री स्पेस आप देख सकते हैं 104GB आपको मिल जाएगा। और सिक्योरिटी पैच आपको नवंबर 5, 2019 का देखने को मिल जाएगा। और स्टोरेज की बात की जाए तो 104GB आपको फ्री देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 104GB देख सकते हैं आप, यहाँ पे फ्री आपको देखने को मिल जाएगा। और रैम की बात की जाए तो 2.18GB इसने यूज़ किया हुआ है। और बात की जाए यहाँ ऐप्स की, तो ऐप्स यहाँ पे कुछ कुछ ब्लोटवेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे हेलो ऐप्स है, डेली हंट है और फेसबुक वगैरह आपको प्री इंस्टॉल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसको अनइंस्टॉल भी हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपकी गए ये बाहर आ गया सॉरी। तो जैसे हेलो ऐप हमको इंस्टॉल करना तो यहाँ पे क्लिक किए अनइंस्टॉल और ये हो गया अनइंस्टॉल। तो टेंशन की बात नहीं है, आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं आपको। और कैमरा देखा जाए यहाँ पे तो कैमरा 48 मेगापिक्सल आपको देखने को मिल जाएगा। कैमरे की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे एक वीडियो मोड देखने को मिलेगा, फ़ोटो मोड देखने को मिलेगा आपको, पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपको। देन यहाँ पे फ्रंट कैमरा आपको 16 देखने को मिल जाएगा, 16 मेगापिक्सल का। और ब्यूटी 5 का भी मोड आपको देखने को मिल जाएगा। और फोटोज़ में हम देख लेते हैं और क्या क्या ऑप्शन हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको वाइड एंगल देखने को मिल जाएगा, वाइड, अल्ट्रा वाइड, अल्ट्रा वाइड, उतना वाइड मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है ये, लेकिन हाँ थोड़ा वाइड तो है। और यहाँ पे नाइट मोड, पैनो मोड, एक्सपर्ट, टाइमलेस, स्लो मो और स्टिकर का भी यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ जो स्टिकर है अगर फेस आपका डिटेक्ट कर रहा है तो स्टिकर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिल जाएगा। तो और भी देख लेते हैं, स्टिकर कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको फ्लैश का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो फ्लैश तो ऑन किया है मैंने, हाँ ये हो गया फ्लैश ऑन। जैसे मैंने फ्लैश ऑन किया है तो फ़ोटो खींचेगा तो ही फ्लैश वो ऑन करेगा, फिल लाइट करेंगे तो आपका टॉर्च ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे सेटिंग्स में आपको क्या क्या मिलेगा। लोकेशन आप डाल सकते हैं, फ्लिप सेल्फी आप कर सकते हैं, फ़ोन फ़ोटो रेशियो आप चेंज कर सकते हैं। तो फ़ोटो रेशियो आपको 48 मेगापिक्सल का यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग में जाने के बाद।
तो 4:3 में 48 मेगापिक्सल यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा सेटिंग में आने के बाद। तो इसके बाद यहाँ पे आप 48 मेगापिक्सल में फ़ोटो ले सकते हैं। ये AI है, AI को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको अगर चमक धमक चाहिए तो AI एकदम बढ़ा के रख दीजिए आप। तो हम अभी कर लेते हैं 48 को बंद और इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन। तो ये हो गया, आपका फुल स्क्रीन में आ गया। तो आप ऐसे फुल स्क्रीन में ले सकते हैं। तो वॉल्यूम बटन से भी आप कर सकते हैं, और भी कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, जूम वॉल्यूम ये सब करने का। टच टू टेक फ़ोटोज़ का ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे। AI स्क्रीन सीन रिकॉग्निशन का ऑप्शन मिल जाता है। वाटर मार्क आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। फ़ोन का मॉडल दिखाना तो यहाँ पे आप कस्टम भी कर सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें वो कर सकते हैं। डेट एंड टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्लो मोशन आप रिजोल्यूशन यहाँ पे सेट कर सकते हैं, 1080 का भी आप स्लो कर सकते हैं, 30 FPS। और वीडियो रिजोल्यूशन की बात की जाए तो आप यहाँ पे 4K तक वीडियो आप शूट कर सकते हैं। टच टू टेक फ़ोटोज़ का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे इनेबल कर दिया, तो उसके बाद फिर जैसे टच किया मैंने फ़ोटोज़, इसने क्लिक कर लिया। तो इस तरह से कुछ आपको ऑप्शन यहाँ पे कैमरे में देखने को मिल जाएंगे। और भी देख लेते हैं हम। तो ये पोर्ट्रेट में आ गया, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। HDR मोड आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। हम ऑन कर लेते हैं और यहाँ से आपको अलग अलग मोड्स देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे मोड्स हैं, आप चेंज कर सकते हैं। तो HDR हम ऑफ कर लेते हैं, और डेजल कलर भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो 48 मेगापिक्सल का मोड यहाँ पे डायरेक्टली देना चाहिए था, लेकिन यहाँ डायरेक्टली नहीं दिया गया। आपको सेटिंग से जाके यहाँ पे चेंज करना होगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे गए आप और ये फ़ोटो रिसीव में जाके आपको करना है 48 मेगापिक्सल। तो 4:3 का जो रिसीव आएगा वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक सिंपल और एक 48 मेगापिक्सल। सिंपल कर देंगे तो आपको 12 मेगापिक्सल का फ़ोटोज़ मिलेगा, और 48 करेंगे तो 48 मेगापिक्सल का। तो और भी देख लेते हैं हम यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से कुछ है इस फ़ोन का। डिटेल्स रिव्यू हम बिल्कुल लेके आएंगे। ये देख सकते हैं आप, इस टाइप से आपको कुछ नेविगेशन बार का आपको मिल जाता है ऑप्शन। तो नोटिफिकेशन आना भी चालू हो गया है यहाँ पे, ऐप मार्केट क्लोन फ़ोन और कुछ कुछ से। स्मूथ है स्क्रीन, आप अगर फुल HD चला रहे हैं तो उतना डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। स्क्रीन आपको अच्छी ही देखने को मिल रही है यहाँ पे, लेकिन हल्का सा माइनर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आप AMOLED स्क्रीन चलाते हैं तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा। बाकी आप 720 और 1080 में आप स्विच करते हैं तो उतना आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, वीडियोस क्वालिटी वगैरह आप देखेंगे तो हल्का सा आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को आपको यहाँ पे मिल सकता है। सेंसर इस फ़ोन में आपको सभी देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको क्लीन स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा। नाइट शील्ड का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको, अगर जैसे आप इनेबल कर देते हैं तो ग्रीन थोड़ी येलो इस टिंट में आ जाएगी आपकी, और जैसे डिसेबल करते हैं तो ब्लू इस और वाइट इस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और पावर सेविंग मोड भी दिया गया है यहाँ पे। जैसे ही पावर सेविंग मोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लाइट डिम्स एंड जो भी अनयूज्ड है वो रैम क्लियर करते रहेगा बैटरी सेव करने के लिए। तो यही था इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये था एक शॉर्ट रिव्यू, फर्स्ट इम्प्रेशन और अनबॉक्सिंग। अगर आपको फुल रिव्यू देखना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमको बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बात की जाए फिंगरप्रिंट की, तो फिंगरप्रिंट यहाँ पे आपको फास्ट देखने को मिलता है। तो जैसे ही मैं टच कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं तुरंत यहाँ पे ओपन हो जा रहा है।
फिंगरप्रिंट सेंसर हल्का सा छोटा देखने को मिल जाएगा आपको कम इन कंपेयर टू अदर स्मार्टफोन्स, बट फिर भी ये प्रॉपरली वर्क करता है। मैंने मिसप्लेस कर दिया था इसलिए ओपन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये छोटा है, आपका हाथ थोड़ा इधर उधर जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं तुरंत ये ओपन हो रहा है। कभी कभी मिसप्लेस हो जाता है तो 10 में से 9 बार ये ओपन हो ही जाता है, एक आध बार आपका फिंगर इधर उधर चले जाता है तो थोड़ा सा। और ये आपको जो बैक पैनल है वो पॉलीकार्बोनेट का है, तो थोड़ा सा आपको फिंगर प्रिंट मैगनेट देखने को मिल जाएगा आपका। ये देख सकते हैं अभी से इसमें फिंगर प्रिंट के निशान लगने लगे। तो स्क्रीन तो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है आपको 720p के हिसाब से। और बैटरी इसमें आपको 5000 mAh ही देखने को मिल जाएगी, और स्क्रीन रिजोल्यूशन 720 की है, तो बैटरी आपकी काफ़ी अच्छी चलने वाली है। बैटरी में आपको कोई इशू नहीं आएगा, बैटरी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी आपको। और फेस अनलॉक की बात की जाए तो फेस अनलॉक यहाँ पे देख सकते हैं आपका तुरंत ओपन हो रहा है, बस आपको स्लाइड करना होता है। जैसे मैंने इसको ऑन किया तो ये स्लाइड अप टू ओपन शो करने लगा। फेस अनलॉक भी काफ़ी फास्ट है इसका, फिंगरप्रिंट अनलॉक भी काफ़ी फास्ट है इसका, तुरंत ओपन हो रहा है। फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट अनलॉक की स्पीड तो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। फेस अनलॉक काफ़ी कई मोबाइल में अच्छे से वर्क नहीं करता, स्लो होती है, लेकिन इसमें फेस अनलॉक काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है आपको। केस की क्वालिटी की बात की जाए तो केस की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी बोलनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा बाहर निकला हुआ है, ताकि अगर गिर जाए कहीं तो स्क्रीन डैमेज ना हो। यहाँ से आप देख सकते हैं हल्का सा ऊपर है आपको। और नीचे एक चीज़ और अच्छी लगी मेरे को इसमें, कि नीचे यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट में यहाँ पे एक लॉक जैसा दिया गया है, तो जैसा आप चार्जिंग हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, ताकि इसमें डस्ट वगैरह या फिर कुछ और दूसरी चीज़ ना घुसे। तो काफ़ी कंफर्टेबल है बैक कवर के साथ भी इसको यूज़ करना। आपको इसमें रेड कलर जो है और पंचियर और ग्रीन कलर और ग्रीनिश टाइप से देखने को मिल जाता है एमोलेड में। रिजोल्यूशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 720 तक ही रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा 60fps में, और बाकी दूसरे मोबाइल में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ 1080 तक का सपोर्ट है, और 4K तक भी कुछ वीडियोस में आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे।